नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 नवंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। बाली G20 की समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 14 नवंबर को इंडिया से निकल चुके हैं बाली के लिए। तो बाली में जाके G20 की समिट होगी और चूंकि इस बार दिसंबर से इंडिया की प्रेसिडेंटशिप ओनर हो रही है, तो ऑफिशियली इंडिया की प्रेसिडेंटशिप को हैंडओवर भी करेंगे, मतलब ओवरऑल जोको विडोडो से लेंगे मोदी जी, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडियन नेवी का ये बोलना है कि इंडियन ओशन में एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स घूम रही हैं, मतलब बाहर के कंट्रीज़ की अनरेगुलेटेड फिशिंग वेसल्स आके इंडियन ओशन के वाटर्स में फिशिंग कर रही हैं और बहुत हद तक वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी घूम रही हैं। और इसमें से बड़ा क्वांटम चाइना के अनरेगुलेटेड फिशिंग व्हीकल्स का है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर दो न्यूज़ कल की हैं। आर्मी चीफ ने बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो सिचुएशन है वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसको कल नहीं कवर कर पाए थे मिनी सर, तो मैं आज अब कवर कर दूंगा। और जगबीर धनखड़ साहब ने बोला है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, कि इंडिया सपोर्ट करता है एशियान की सेंट्रैलिटी को इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये न्यूज़ भी कल की है बट आज कवर कर लेंगे, चूंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो कल की दो न्यूज़ आज कवर अप हो जाएंगी, मिनी सर से छूट गई थी। उसके अलावा आज के एडिटोरियल में क्या क्या आर्टिकल है, तो प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक आर्टिकल है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है फॉरेन पॉलिसी में कि इंडिया यूक्रेन रशिया के मीडिएशन में ना पड़े तो बेहतर है। अभी तक अगर आप देखो तो यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया का स्टांस परफेक्ट रहा है, लेकिन अगर हम मीडिएट करने पा जाएंगे, निगोशिएट करने पा जाएंगे, तो हमारा उल्लू कटेगा जिस प्रकार से इंडिया का उल्लू कटा था जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में हमने US के बिहाफ पे इंटरवीन किया था, वो क्या था इसको देखेंगे। फिर एवरीवन लव्स अ गुड फाइट, ये जो गवर्नर की लड़ाई चल रही तमिलनाडु और केरला में, इसके बारे में एक आर्टिकल है। ग्राउंड वाटर को लेके आज एक डिबेट आर्टिकल है। ये जो 7 convicts छोड़े गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट केस में, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, मतलब आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो, अपडेटेड रखो हर चीज़ के रिस्पेक्ट में, मतलब आपके ईयर्स टू द ग्राउंड है, मतलब जो भी ग्राउंड लेवल पे चल रहा है उसके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी है, आप इन्फॉर्म्ड हो, आप अपडेटेड हो। पहली न्यूज, GS Paper 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एनर्जी सिक्योरिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बाली के लिए निकल रहे हैं 14 नवंबर को, 15 से 16 नवंबर को होने वाली जो G20 समिट है इंडोनेशिया बाली में, इसको अटेंड करेंगे। यहाँ पे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज की बात होगी ओवरऑल इस इंडोनेशियन सिटी में। और अगर आप देखो तो इंडिया ने इंडोनेशिया में बाली में भी G20 को लेके काफ़ी, अभी देखिए क्या है कि अब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आ रही है, बाली के पास अभी के लिए प्रेसिडेंटशिप थी इंडोनेशिया के पास, और इंडोनेशिया ने अपने रिजॉर्ट टाइम बाली में ओवरऑल इसको होस्ट किया था। जो भी शेरपा की मीटिंग हुई है, जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, मैं अभी जब कुछ महीनों पहले बाली गया था तो वहाँ पे हर जगह पे अगर आप देखो तो ओवरऑल G20 के पोस्टर्स लगे हुए थे। तो मतलब ओवरऑल ये जो बाली नाम का रिजॉर्ट टाउन है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये इंडोनेशिया की मीटिंग्स, मतलब G20 की मीटिंग्स को होस्ट करवाया गया था। अब ओवरऑल वो प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आने वाली है। ये जो मीटिंग है मोदी जी की इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज है, जो प्रेसिडेंसी है, वो हैंडओवर होगी टू इंडिया और इसी समिट में हैंडओवर होगी। और यहाँ पे मोदी जी अनाउंस भी करेंगे कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20 इंडिया के क्या प्लान है एनवायरमेंट को लेके, जेंडर इश्यूज को लेके, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके, खासकर ग्लोबल साउथ के कंटेक्स्ट में। ग्लोबल साउथ मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, ग्लोबल नॉर्थ आप कह लो डेवलप्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ आप समझ लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज। फिर ये जो G20 लीडर्स हैं, दे विल गो टू इंडोनेशियन मैंग्रोव्स ऑफ तमन हुतन राया। यहाँ पे इस इंडोनेशियन मैंग्रोव्स ऑफ तमन हुतन राया को बालिनीज हिंदूज काफ़ी मानते हैं। इसको पिछले 30 साल में रिस्टोर किया गया है, 700 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहाँ पे सारे के सारे G20 लीडर्स जाएंगे। अच्छा, G20 लीडर्स जाने से पहले जो G20 शेरपा हैं वो एक जॉइंट कम्युनिक को लेकर लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, जब भी हेड ऑफ द स्टेट, जैसे मोदी जी यहाँ पे हो गए, चाइना का जी जिनपिंग हो गया, व्लादिमीर पुतिन हो गया रशिया का, ठीक है ना, ओवरऑल टर्की का रसिप तैयब अर्दोगन हो गया, तो ये सब पहुँचेंगे। अब जब ये पहुँचेंगे तब काम शुरू नहीं होगा। एक्चुअली में G20 मीटिंग बाली में क्या होने वाला है, इसकी तैयारी कई महीनों से हो रही है और उस तैयारी को ग्राउंड लेवल पे G20 शेरपा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शेरपा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, एक हेड ऑफ द स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा G20 के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए,
जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने अपना एक शेयर पर डिप्लॉय कर रखा है G20 में, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वहां पे सारी डीलिंग्स कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। बताइए G20 शेरपा इंडिया का कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, G20 एज अ फोरम की बात करिए तो 20 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज हैं ये, 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती हैं, 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे बाली की समिट कौन कौन अटेंड करने वाला है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK और जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो तो यहाँ पे देखो करेंगे ही, वो तो होस्ट है। ठीक है भाई, वैसे तो यूक्रेन के आप कह लीजिए प्रेसिडेंट वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की को भी बुलाया गया, बट शायद वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे समिट को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे, ब्राजील और मेक्सिको के लीडर भी यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, G's Paper 2, मेरीटाइम सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन नेवी। भैया 200 से ज्यादा चाइनीज फिशिंग वेसल्स को फ्लैग किया गया है, ऐसा पाया गया है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में 200 से ज्यादा चाइनीज फिशिंग वेसल्स नजर आए हैं। अब वैसे तो ये क्या करते नजर आए हैं, तो IUU करते हुए नजर आए हैं, मतलब इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग करते हुए नजर आए हैं। इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और उसके बियॉन्ड बहुत हद तक नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में IUU हो रहा है, मतलब इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, और इसको करने में जो चाइनीज फिशिंग फ्लीट्स हैं वो काफी डोमिनेंट है। ये जो IUU होती है, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये फिश स्टॉक्स को डिप्लीट कर देती है, मेरिन हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिशरमैन को एट अ डिसएडवांटेज लेके आती है, कोस्टल कम्युनिटीज को तबाह कर देती है। क्योंकि देखिए फिशिंग भी इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से किया जाए वो जरूरी है। किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आप फिश पकड़ते ही जाओगे, उनको ब्रीड करने का मौका भी नहीं दोगे, तो एक समय पे उस पर्टिकुलर इलाके में फिश खत्म ही हो जाएंगी। तो एक लिमिट से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जरूर से ज्यादा फिशिंग करना, या फिर कह लीजिए IUU, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग करना, ये सही नहीं है। लेकिन चाइनीज फिशिंग वेसल्स ऐसा करते नजर आए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्री के फिशिंग वेसल्स भी और कुछ और कंट्रीज के फिशिंग वेसल्स भी नॉर्थ इंडियन ओशन में IUU करते पकड़े गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वॉल्व है तो चाइनीज इन्वॉल्व है। ठीक है ना भाई, तो एक्स्ट्रा रीजनल डिस्टेंट वाटर फिशिंग फ्लीट्स पाई गई हैं, ऐसा बोलना है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एनालिसिस सेंटर IMAC के द्वारा। 2021 में ऐसे 392 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं IUU फिशिंग के नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, और 2020 में ये नंबर था 379। तो 2021 में 392 इंसिडेंट्स और 2020 में 379 इंसिडेंट्स। चाइना का जो ओवरऑल प्रेजेंस है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में वो बढ़ रहा है, चाहे वो डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स हो या फिर चाइना के रिसर्च वेसल्स हो। इनफैक्ट चाइना की मैरिटाइम प्रेजेंस, स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी बहुत सारी चाइना की इंडियन ओशन रीजन में घूमती हुई नजर आई है। और एक्चुअली में ये अपनी चाइनीज कोस्ट से बहुत ज्यादा दूर है, अपने साउथ चाइना सी में कुछ भी करो उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये इंडियन ओशन रीजन में भी नजर आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली में इनके बेस से, इनकी कंट्री से काफी दूरी दूर है। ओके, फिर देखा जाए तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में ऑन एन एवर सालाना 500 चाइनीज डीप सी ट्रॉलर्स भी इंडियन ओशन रीजन में नजर आए। और डीप सी ट्रॉलिंग एक्चुअली में बहुत अनसस्टेनेबल होती है। आप देखो ये जो पाक स्ट्रेट है वहां पे भी जो चेन्नई साइड से फिशिंग वेसल आती है उसमें डीप सी ट्रॉलिंग होती है, बॉटम ट्रॉलिंग होती है, और ये बॉटम ट्रॉलर श्रीलंका के फिशरमैन को पसंद नहीं आती है। वही चीज इंडिया भी कह रहा है कि यहाँ पे भैया इंडियन ओशन रीजन में जो तुम डीप सी ट्रॉलिंग करके ओवरऑल मछलियां पकड़ रहे हो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज IUU, ओके, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है भाई, अब लीगल एंगल से यहाँ पे देख लेते हैं। UNCLOS के हिसाब से, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के हिसाब से, जो कोस्टल नेशंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग IUU फिशिंग इशूज अपने रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग ना हो, इस बात को इंश्योर करने का काम है UNCLOS का। और इसके लिए बहुत सारे आप देखो रीजनल लेवल पे फिशिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे इंडियन ओशन टूना कमीशन हो गया, साउदर्न इंडियन ओशन फिशरीज एग्रीमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो UNCLOS के मैंडेट के अंदर काम करते हैं। तो UNCLOS के ओवरऑल मैंडेट के अंदर रीजनल लेवल पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो IUU के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना भाई, IUU फिशिंग के चलते फिश स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं, मरीन इकोलॉजी पे इम्पैक्ट आ रहा है। जो क्वाड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इसने मई 2022 में एक रीजनल एफर्ट शुरू किया था IUU को रोकने के लिए, और वो था
इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, IPMDA। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर IPMDA क्या करता है, नियर रियल टाइम एक्टिविटीज एक्चुअली में ओवरऑल इनके बैकयार्ड में और इंडियन ओशन रीजन में क्या हो रहा है, इसको रियल टाइम में ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं। और उसका एक पॉइंट ये भी है, एक फैसेट ये भी है कि इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को यहाँ पे रोकना है। तो ये जो IPMDA है, ये इंडिया और बाकी क्वाड कार्टनर्स को मिला के ओवरऑल इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को इंडो पैसिफिक रीजन में रोकने की कोशिश करता है। फिर भाई जितने भी वेसल मूवमेंट्स हो रहे हैं हाई सीज में, इनको मॉनिटर किया जाता है इंडियन नेवी की IMAC के द्वारा गुरुगाम में। और एक और इसके लिए सेंटर है IFC IOR, इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। तो ये सब चीज़ों के थ्रू फिर IUU फिशिंग के ऊपर दो मेन रेगुलेशन है, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर दो मेन रेगुलेशन है। एक है केप टाउन एग्रीमेंट और एक है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स। ये दोनों ही एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इंटरनेशनली IUU को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया ने इन दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। फिशिंग वेसल्स जो दुनिया भर में है उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने फिशिंग वेसल्स में व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम लगाइए। इस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से ये पता चल जाएगा कि आपका फिशिंग व्हीकल इस समय पर कहाँ है, उसकी प्रिसाइज लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। प्लस इस पर्टिकुलर व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम में इन फिशिंग वेसल्स को यह भी रिपोर्ट करना है कि वो किस तादाद में, किस वॉल्यूम में, किस लोकेशन से फिश को पकड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एक फिशिंग वेसल किसी एक पर्टिकुलर जगह से ज्यादा फिश को पकड़ते नजर आएगा तो कहीं ना कहीं इस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा को यूज करके हम सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्लेयर्स को बता सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जगह से एक लिमिट से ज्यादा फिशिंग मत करो, एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल हो रहा है वगैरह वगैरह। यूरोपियन यूनियन ने तो साफ साफ बोल रखा है कि यूरोपियन यूनियन के इलाके में जब भी फिश का इंपोर्ट होगा तो वो फिश का इंपोर्ट जहां से हो रहा है वहां पे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी करके रखा गया। मतलब यूरोपियन यूनियन को पता होना चाहिए कि उनके अंदर, उनके देश में जो भी फिश इंपोर्ट हो रही है उसका एक्चुअली में ओरिजिन कहां से। जब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वो वेसल्स जो 20 मीटर से ज्यादा लेंथ के हैं उन्होंने तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स लगा रखे हैं, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम्स लगा रखे हैं, लेकिन वो वेसल्स जो 20 मीटर से कम के, जो छोटी बोटें हैं फिशिंग की इंडिया के अंदर, उन्होंने व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं लगाया है। और उसको लगाने में थोड़ी देरी हो रही है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू फाइनेंसेस, ड्यू टू द मनी स्पेंड। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फार्मर्स बोट से फिश पकड़ते हैं वो ऑब्वियसली बात है इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खत्म नहीं करेंगे। अगर उनकी बोटों में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है आपका व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का, तो सरकार के खर्चे पे ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिचुएशन ऑन LAC स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल आर्मी चीफ। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया के रिस्पेक्ट में काम आएगी। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बोला है कि ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ जो सिचुएशन है वो स्टेबल तो है बट अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब आगे चीजें किस तरफ जाएंगी, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबिलिटी होगी, शांति रहेगी या वॉर होगा, इस बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे जिसमें से 5 को रिजॉल्व कर लिया गया। ठीक है, अभी चाणक्य डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पे जनरल पांडे साहब ये सब बोल रहे थे। तो जनरल पांडे साहब का ये बोलना है कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे चाइना और इंडिया की लीडरशिप एक दूसरे के साथ इंगेज कर रही है। 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स में से 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स का हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स का सॉल्यूशन बाकी है। वो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो एक है देवसांग प्लेन्स और एक है आपका देमचौक। तो देमचौक और देवसांग प्लेन्स ये दोनों अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो गई जैसे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, गलवन वैली हो गया है, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, ये सब रिजॉल्व हो चुका है। बट देमचौक और देवसांग ये दो चीज़ें अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई हैं। अभी 25वीं राउंड टॉक्स हुई थी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की 15 अक्टूबर को। ठीक है भाई, रेजोल्यूशन के थ्रू डायलॉग ढूंढने की कोशिश कर रहा है इंडिया। मई 2020 में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक 16 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं। फरवरी 2021 में पेंगोंग सो पे डिसएंगेजमेंट हुआ था, गोगरा हॉटस्प्रिंग इलाके PP-17 में अगस्त 2022 में हुआ था, PP-15 में सितंबर 2022 में हुआ था, गलवन वैली में 2020 के वॉयलेंट क्लैशेस के बाद हुआ था, और 16वीं राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी 17 जुलाई 2022 को चुशुल बॉर्डर पे ऑन द इंडियन साइड। ठीक है भाई, ओवरऑल बिल्डअप की बात की जाए कि भाई कौन सी फौज ने कितने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, तो पीपल लिबरेशन आर्मी ने हजारों की तादाद में सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आई है। इनफैक्ट इंडियन साइड से जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे पता चल रहा है कि भाई चाइना की कुछ ब्रिगेड्स आगे आई थी ट्रेनिंग के लिए,
लेकिन ठंडी आते आते वो पीछे की तरफ जा रही है, मतलब ट्रेनिंग करने वाले जो लोग हैं वो तो बैक ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो परमानेंटली कॉम्बैट पोजीशंस में डिप्लॉय हैं उनका नंबर एलएसी के पास पूरी तरीके से बना हुआ है, वो पीछे की तरफ नहीं खिसक सका है। एक परेशानी इंडियन साइड के लिए बहुत ज्यादा बड़ी ये है कि चाइना ने अपने तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा कर रखा है। पहले उनका एक हाईवे हुआ करता था जी 219, वो तो है ही, उसके साथ साथ एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल एक और हाईवे चाइना ने बना लिया G695, और इस पर्टिकुलर हाईवे के थ्रू पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने फोर्सेस को बहुत ही कम समय में मोबिलाइज कर सकता है चाइना। नो डाउट इंडिया भी अपने साइड पे जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, एयरफील्ड बना रहा है, बट चाइना ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हद ही पार कर दी गजब तरीके से, एयर बेसेस, ठीक है ना, बॉम्बार्डमेंट प्रूफ एरोड्रोम्स, उसके साथ साथ G659 नाम का ये जो हाईवे, 695 नाम का जो हाईवे है, ये ओवरऑल पूरे LAC की कनेक्टिविटी चाइना के इंटीरियर से बहुत तेजी से तेज कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंडियन आर्मी ने भी अपनी प्रिपरेशंस कर रखी हैं विंटर पोस्चर के लिए, इंडियन आर्मी तैयार है, हमारे पास एडिक्वेट फोर्सेज हों, ट्रांजिशन में हमारे पास बैक एंड में फोर्सेज डिप्लॉयड हों, एडिक्वेट रिजर्व्स हों कि भाई अगर एकदम से जंग छिड़ती है हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें, इस हर चीज़ को हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी के लिए दो फ्रिक्शन पॉइंट्स रह गए हैं, एक है दिमचौक, एक है देपसांग। अब चाइना का ये बोलना है कि मई 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, दिमचौक और देपसांग पुराने इश्यूज हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ मई 2020 नेगोशिएशंस हम दिमचौक और देपसांग को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अभी के लिए दिमचौक और देपसांग मुद्दे के ऊपर चाइना बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे देपसांग प्लेन्स है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर देपसांग पेंग में चाइना आगे बढ़ता है तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर कहीं ना कहीं खतरे में आएगा, सियाचिन ग्लेशियर के और पास पहुँचेगा यहाँ पे चाइना। अगर आप देखो तो 50,000 से ज़्यादा और हैवी इक्विपमेंट बड़े तादाद में LAC पे दोनों साइड्स पे तैनात है, चाइनीज साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने बोला है कि इंडिया सपोर्ट करता है एशियान की सेंट्रलिटी को इंडिया पैसिफिक रीजन में, जिस पे बटू इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज काम की है। अगर एशियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। कौन कौन से? सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। ठीक है भाई, नक्शे में ये यहाँ पे आपको ये सारी की सारी कंट्रीज नजर आ रही है। अब एशियान के रिस्पेक्ट में क्या बोला जगदीप धनखड़ साहब ने, भाई देखिए 19वीं एशियान इंडियन समिट हो रही है फिनोम फे कंबोडिया के अंदर, यहां पे कोमोमरेट की जा रही है 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एशियान डायलॉग। ठीक है ना भाई, इंडिया एशियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एस्टैब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में यह बोला गया कि ठीक है भाई, इंडिया एशियान की इंपॉर्टेंस और एशियान इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझता है, हम एक दूसरे के साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट को मेंटेन करेंगे। मतलब ओवरऑल एशियान के जो जहाज हैं, चाहे वो उड़ने वाले हों चाहे पानी वाले हों, वो इंडिया के आसपास के रीजन से गुजर सकते हैं, इंडिया वाले जहाज एशियान के आसपास के रीजन से गुजर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डरे हुए फील नहीं करेंगे, थ्रेटन फील नहीं करेंगे। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है आपका एशियान, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल और कल्चरल ट्राइज रहे हैं फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए कि एक समय पे एशियान के बड़े इलाके में चोला किंगों का राज होता था, राजराज चोला, राजेंद्र चोला, एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं उस आप कह लो इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल टाइज को और आगे बढ़ाना, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनानी है मॉडर्न टाइम्स में। जो सेक्टोरल पार्टनरशिप इंडिया एशियान ने 1992 में साइन की थी, उसको अब 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जाना है, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब बोले। फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बोला गया कि अनइम्पीडेड लॉफुल मैरिटाइम कॉमर्स हम करेंगे एक दूसरे के साथ, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। मतलब इंडिया एशियान 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को मानेगा, फिर जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेटरी प्रैक्टिसेस सेटअप की गई हैं इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन दोनों को ही एशियान और इंडिया दोनों मानेंगे। फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, शिप्स के अगेंस्ट जो आर्म्ड रॉबरी होती है उसके अगेंस्ट मिलकर लड़ेंगे, मैरिटाइम सेफ्टी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में मिलके काम करेंगे, ह्यूमन ड्रग्स और ट्रैफिकिंग को, आर्म स्मगलिंग को रोकेंगे, इन सब चीज़ों की बात यहाँ पे की जा रही। फिर क्या आज बात की जा रही, मिलिट्री मेडिसिन की। मिलिट्री मेडिसिन पे भी यहाँ पे बातचीत हुई। क्या है अब मेडिकल स्पेशलिटी, स्पेसिफिकली अ ब्रांच ऑफ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन अटेंडिंग टू मेडिकल रिस्क एंड नीड्स ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की मेडिकल रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच पढ़ाई होती है मेडिसिन फील्ड की, उसको आप बोलते हो मेडिसिन, सॉरी मेडिकल स्पेशलिटी, या फिर कह लो मिलिट्री मेडिसिन। तो इंडिया एशियन की टॉक्स में मिलिट्री मेडिसिन के ऊपर ही बात की, मतलब सोल्जर्स, जंग में रहने वाले जो सोल्जर्स होते हैं उनकी प्रिवेंटिव और इंटरनेशनल, मतलब ओवरऑल जब सर्विंग है कहीं ना कहीं जंग में नहीं गए उस समय पे प्रिवेंटिव बेसिस पे भी उनकी हेल्थ को मेंटेन करना, जंग हो रही है उस समय पे भी उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो डॉक्टरी, जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो पढ़ाई होती है उसको आप मिलिट्री मेडिसिन बोलते हो। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए जो कि मिलिट्री कैपेसिटी में काम करते हैं मिलिट्री मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जंग छिड़ती है और चोट लगे, घायल सोल्जर्स सामने आते हैं तो इतने बुरे हालात होते हैं उनके शरीर के कि देख के अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी डर जाए। तो ऐसे केसेस में मिलिट्री मेडिसिन की पढ़ाई बहुत काम आती है। फिर भाई यहाँ पे स्पेस सेक्टर के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की इंडिया एशियान ने, थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रैकिंग डाटा रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग स्टेशंस इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया। फिर इंडिया एशियान ने बोला है कि हम एक्सपेडाइट करेंगे रिव्यू ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। फिर भाई टूरिज्म के ऊपर बातचीत हुई है, इंडियन टूरिस्ट एशियान रीजन में खासकर कंबोडिया में बढ़े। वैसे देखा जाए तो एशियान रीजन में इंडियन टूरिस्ट थोड़ी कम मात्रा में जाते हैं, तो ये नंबर हम बढ़ा सकते हैं, इसका काफ़ी हद तक पोटेंशियल है। और ख़ास बात भी ये है कि एशियान रीजन में इंडियन टूरिस्ट लिमिटेड जगहों पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एशियान में थाईलैंड की बात करो तो थाईलैंड बहुत सारे टूरिस्ट जाते हुए नजर आएंगे, सिंगापुर फिर भी ठीक ठाक टूरिस्ट जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत ही ऐसे कम टूरिस्ट जो कंबोडिया जाते हैं, लाओस जाते हैं, ठीक है ना, जो कि इक्वली आप कह लो सुंदर जगहें हैं। तो इस कंटेक्स्ट में टूरिज्म को थोड़ा और इंक्लूसिव करना और इंडियन टूरिस्ट की मात्रा इन कंट्रीज में बढ़ानी है, यहाँ के लोग भी इंडिया आए। फिर अगर आप देखो तो एशियन सैनिटैलिटी के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है ना, डीपनिंग डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू एशियन लेड मैकेनिज्म। तो एशियन इंडिया समिट, ईस्ट एशिया समिट, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विद इंडिया PMC+1, एशियन रीजनल फोरम ARF, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM+, एक्सपेंडेड एशियन मेरीटाइम फोरम, इन सब के ऊपर भी बात की है यहाँ पे ओवरऑल इंडिया और एशियन के लीडर्स ने मिलके। फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें ये बोला कि इंडिया एशियन की पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा थ्रू रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, फिर IMTGT, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ग्रोथ ट्राइंगल, इन सब के साथ मिलके ओवरऑल जो इंगेजमेंट है एशियन रीजन्स के बीच का और इंडिया एशियन का, इसको बढ़ाया जाएगा। तो भाई करंट अफेयर्स में चार आर्टिकल्स थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर आ जाते हैं डेली एडिटोरियल्स पे। बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फंड्स, बिल्कुल काम की चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ भी बेसिकली इस आर्टिकल में दो चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस। जब बात आती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, जब बात आई कि हाँ भाई पास्ट में डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर चुकी हैं, अब डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर है, तो एक डिमांड उठी कि हाँ भाई डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री को पैसा देंगी, और 2009 से लेकर 2020 तक सालाना $100 बिलियन देंगी, ऐसा बोला गया। लेकिन क्या ये $100 बिलियन दिए? तो डेवलप्ड कंट्रीज की रिपोर्ट तो बोलती है कि भाई हमने दिए। अगर आप देखो तो जॉन कैरी जो कि US प्रेसिडेंशियल इन्वॉय है क्लाइमेट चेंज के, और मार्क कार्नवी जो कि UN स्पेशल इन्वॉय है क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस और फॉर्मर गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वो ये बोल रहे हैं कि भाई 2009 में जो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रति साल $100 बिलियन का प्रॉमिस किया था, हमने एक्चुअली में उसको पूरा किया है, एक मैक्सिमम क्वांटम उसका पूरा कर दिया है। अब ये तो बड़ी अजीब बात बोल दी US और UN के रिप्रेजेंटेटिव ने, कहां से तुमने $100 बिलियन की मदद पूरी कर दी भाई? और ये जो क्लेम है आपका मार्क कार्नी का और जॉन कैरी का, ये क्लेम बिल्कुल गलत है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो अभी आपका 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है UNFCCC के मैकेनिज्म के अंदर शर्म अल शेख इजिप्ट में। इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से कुछ दिन पहले, मतलब हम बात कर रहे हैं 6 नवंबर 2022 की, तब आई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की एक रिपोर्ट, तो UNFCCC की SCF रिपोर्ट आई थी। इस SCF रिपोर्ट ने साफ साफ बोला था कि ये जो $100 बिलियन प्रति साल देने की बात की थी डेवलप्ड कंट्रीज ने 2009 से लेकर 2020 तक, इसके आसपास पैसा भी इन्होंने नहीं दिया है, ये गोल अचीव नहीं हुआ है, समझ गए? दूसरी बात,
डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत कोशिश की कि एक बड़ा चंक इस 100 बिलियन डॉलर का प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू आए, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें, और वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर हो गया। अब यहाँ पे दो रिपोर्ट्स को कोट किया जा रहा है, एक तो कोट किया जा रहा है OECD रिपोर्ट को और एक कोट किया जा रहा है ऑक्सफैम रिपोर्ट को, और ये दोनों रिपोर्ट अपने आप में बहुत डिफरेंट है दोस्तों। अगर आप बात करो OECD रिपोर्ट की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट की बात करो, तो ये रिपोर्ट बोलती है कि 2020 में डेवलप्ड कंट्रीज ने 83.3 बिलियन डॉलर्स मोबिलाइज किए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है ना, जिसमें से 68.3 बिलियन डॉलर पब्लिक फाइनेंस है, डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें पैसा दे रही हैं, और 13.1 बिलियन डॉलर इन डेवलप्ड कंट्रीज की प्राइवेट कंपनीज पैसा दे रही हैं। अब वो पैसा, कुछ पैसा ग्रांट के फॉर्म में, कुछ पैसा लोन के फॉर्म में, हालांकि प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो ज्यादातर लोन के फॉर्म में। अब OECD की रिपोर्ट तो ये बोलती है कि 2020 में 83.3 बिलियन डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस आया है, लेकिन जब आप पहुंचोगे ऑक्सफैम रिपोर्ट पे, तो ऑक्सफैम रिपोर्ट ये बोलती है कि जो OECD का क्लेम है 83.3 बिलियन डॉलर का, ये क्लेम ही बोगस है। एक्चुअली में 83.3 बिलियन डॉलर की बजाय केवल 21 से 24.5 बिलियन डॉलर का क्लाइमेट असिस्टेंस दिया गया है। तो ऑक्सफैम ये कैसे बोल रहा है कि 83.3 बिलियन डॉलर का फिगर गलत है? तो ऑक्सफैम का ये बोलना है कि इस 83.3 बिलियन डॉलर में OECD वाली कंट्रीज ने बेकार के खर्चे भी जोड़ लिए हैं, वो उन खर्चों का क्लाइमेट फाइनेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। ऑक्सफैम का बोलना है कि हमें उस पैसे की काउंटिंग करनी है जो सच में ग्राउंड लेवल पे क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके खर्चे करने से एक्चुअली में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक स्टेप हम आगे बढ़े। तो ये पैसा केवल 21 से 24 बिलियन डॉलर है, 83.3 बिलियन डॉलर का जो फिगर है वो बिल्कुल गलत है। मतलब OECD की रिपोर्ट आई और OECD की रिपोर्ट के 83.3 बिलियन डॉलर के फिगर को स्कैम फार्स बोल दिया ऑक्सफैम ने। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये, पर कई बार OECD की रिपोर्ट्स को लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था। 2016 में भी OECD ने एक एनालिसिस दी थी जिसमें रोड मैप टू $100 बिलियन की बात की गई थी, ठीक है भाई। क्लाइमेट फाइनेंस इन 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर देने की जो बात थी, अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर रोड मैप टू $100 बिलियन जो कि 2016 में आया था, उसमें यह बोला गया था कि जो पब्लिक फाइनेंस होगा 2020 तक वो होगा सालाना 67 बिलियन डॉलर जो सरकार ने पैसा देंगी, और प्राइवेट कंपनी पैसा देंगी लगभग 33 बिलियन डॉलर। तो मतलब 2016 में OECD की एनालिसिस ये बोलती है रोड मैप टू $100 बिलियन में कि 2020 तक 100 बिलियन डॉलर में से सालाना 67 बिलियन डॉलर सरकारें देंगी, 33 बिलियन डॉलर प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। लेकिन 2020 में OECD की रिपोर्ट बोलती है कि प्राइवेट प्लेयर्स ने दिए केवल 13.3 बिलियन डॉलर। मतलब 2016 में OECD ने एक्सपेक्ट किया था कि 2020 तक प्राइवेट प्लेयर्स आपका पैसा कितना देंगे, 33%, लेकिन एक्चुअली में वो दे कितना रहे, 13%। तो मतलब OECD की रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। 2016 में जो वो बोल रहे थे कि 33% होगा, वो एक्चुअली में 2020 में उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से 13%। और एक्चुअली में दोस्तों ये होना भी था, प्राइवेट फाइनेंस को आप इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फील्ड में डिप्लॉय कर सको इस बात के चांसेस बहुत कम है, मोबिलाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है। अब आप बोलोगे सर ये मोबिलाइजेशन पोटेंशियल क्या है? मोबिलाइज जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, अब आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो कुछ लोग UPSC की तैयारी करेंगे, कुछ लोग 25,000 की नौकरी पकड़ लेंगे, कुछ लोग कैट की तैयारी करेंगे, कुछ लोग SSC CGL की तैयारी करेंगे, कुछ लोग रेलवे की करेंगे। सबका अपना अपना मोबिलाइजेशन पोटेंशियल है। UPSC में क्वालिफिकेशन के लिए और तैयारी के लिए मोबिलाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपके अंदर जोश होना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही है। अब जब बात आती है प्राइवेट प्लेयर्स की, प्राइवेट प्लेयर्स का मोबिलाइजेशन पोटेंशियल निकलता है प्रॉफिट से। अगर आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर हो, आपके पास अपना खुद का पैसा है और वो पैसा कहीं आप लगा रहे हो, तो आप चाहोगे कि उससे मेरा कुछ पैसा बने, उससे मेरे पास कुछ बेनिफिट आए, ठीक है ना भाई। अब बात ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में और खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जब बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस की, जब बात आती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो प्राइवेट प्लेयर्स अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं लो इनकम कंट्रीज की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। और जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों? अरे भैया लो इनकम कंट्रीज को चाहिए एडेप्टेशन। ये लो इनकम कंट्रीज ऑलरेडी वल्नरेबल है, डेप्ट रिडन है, इनकी क्रेडिट रेटिंग्स गंदी हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी क्यों ही अपना पैसा डालेगी?
प्राइवेट कंपनीज वहां पे पैसा डालेंगे, भले वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए डाल रही हो, जहां पे उनको कुछ रिटर्न, कुछ प्रॉफिट मिलने का चांस हो, और वो यहां पैसा नहीं डालेंगे। और इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो सालाना $100 बिलियन देने का जो टारगेट है, जब डेवलप्ड कंट्रीज को पता चला कि वो टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, तो इसको मीट करने की डेडलाइन को 2020 से उन्होंने 2025 तक शिफ्ट कर दिया। अगर आप देखो तो दो COP 2026 ग्लासगो, यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान बनाया गया था पिछले साल, और ये बोला गया था कि 2016 में जो OECD का रोड मैप आया था उसको हम 2023 तक पूरा कर देंगे, बट वो भी यहाँ पूरा होता नजर नहीं आ रहा। आप कुछ बहुत ही प्रिसाइज स्पेसिफिक फिगर्स दे रखे हैं, ये फिगर्स उतने काम के आपके हैं नहीं। अब आप समझ लो इसमें बताया क्या जा रहा है, कुछ लाइनों में मैं आपको इसका पूरा का पूरा साल बता देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप बैंक नहीं कर सकते, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, वहां पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए अगर डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें पैसा दे दें ग्रांट की तरह तो एक बार को चलेगा, लेकिन आप सोचो कि प्राइवेट सेक्टर यहां पे पैसा खर्च करेगा, वो नहीं करेगा। अगर मोबिलाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो CFDP सिनारियों की बात की जाए, ये CFDP सिनारियों क्या है आप कंफ्यूज मत होइए, CFDP मतलब क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान, इस प्लान को फिक्स किया गया था COP 2026 में, और बहुत सारे यहाँ पे एस्टिमेशंस किए गए थे, प्रिडिक्शंस किए गए थे। आपको पता है कि इंटरनेशनल निगोशिएशन में ऐसे प्रिडिक्शन बहुत होते हैं, बाद में पूरा हो ना हो वो अलग बात है। अब अगर प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस मोबिलाइजेशन रेशियो की बात की जाए तो अगर प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक फाइनेंस से 1 रुपया आता है तो 2021 में प्राइवेट से 0.21 आएगा, समझ गए। मतलब कि जो प्राइवेट पब्लिक फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन रेशियो है, अगर 1 रुपया सरकार खर्च कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर 21 पैसा खत्म करेगा। ये मोबिलाइजेशन फिगर है 2021 का, और यही मोबिलाइजेशन फिगर अगर आप 2025 में देखोगे तो अगर सरकार 1 रुपया खत्म कर रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर खत्म करेगा 0.177 रुपीज, मतलब 17 पैसे लगभग। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बीते टाइम के साथ जितना पैसा सरकार खत्म कर रही है उसके प्रपोर्शन में कम पैसा खत्म करेगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इस पैसा को खत्म करके वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और लो इनकम कंट्रीज को अडेप्टेबिलिटी के लिए ग्रांट की जरूरत है, लोन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हम अप्रोच लेके चल रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस की, जो डेवलप्ड कंट्रीज अप्रोच लेके चल रही है क्लाइमेट फाइनेंस की, वो डेवलपिंग कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है। अब विवेक काटजू साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका यहाँ पे फिर से इंडिया को इस्तेमाल करे इस यूक्रेन रशिया वॉर की क्राइसिस में, जिस प्रकार से 1980 में गलत प्रकार से US ने इंडिया का इस्तेमाल किया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब मॉस्को गए, ठीक है ना भाई, बातचीत के लिए। अब ओवरऑल कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया इंडिया को इस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहा है कि हाँ भाई रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया एक मीडिएटर की तरह काम कर सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया की रशिया में इतनी सॉफ्ट पावर है कि इंडिया जो बोलेगा रशिया थोड़ा बहुत उसको सुनेगा, लेकिन इंडिया को जो भी बोलना है वो बहुत सोच समझ के बोलना है, 1980 की गलती को यहां पे रिपीट नहीं करना है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का राज था 1980 के लगभग पे, ठीक है भाई। अब उस समय पे भी कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, इनकी ठीक ठाक बनती थी सोवियत लीडरशिप के साथ, तो अमेरिका ने उस समय पे राजीव गांधी जी से बोला कि आप सोवियत से बात करिए ताकि वो अफगानिस्तान से वापस निकल जाए। अब जो भी बैक चैनल नेगोशिएशंस हुए थे उसमें बाद में बताया गया कि US ने इंडिया को ये एश्योरेंस दिया कि जो पाकिस्तान का क्लैंडेस्टीन न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है हम इसको सफल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान के पास हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने देंगे। दूसरी बात है, जब अफगानिस्तान से सोवियत बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद में अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम स्थापित करेंगे। ये कुछ बातें US ने प्रॉमिस की इंडिया को। इस बेसिस पे इंडिया के राजीव गांधी जी ने सोवियत लीडरशिप के साथ बातचीत की कि भाई आप अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाओ। अब इंडियन लीडरशिप की बातचीत का कितना इम्पैक्ट पड़ा ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार जब अफगानिस्तान से सोवियत फोर्सेज बाहर चली गई उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को रोकने के लिए US ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो USA ने इंडिया को एश्योरेंस दी थी कि हाँ भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को हम सक्सेस नहीं होने देंगे, उस एश्योरेंस को ग्राउंड लेवल पे US ने माना नहीं। दूसरी बात, अफगानिस्तान में पोस्ट विड्रॉवल ऑफ सोवियत फोर्सेस रेडिकल एलिमेंट ज्यादा ताकतवर ना हो, इस बात पे भी US ने ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं माना। मतलब US की यहाँ पे ड्यूप्लिसिटी थी,
यूएस ने अपने पर्पजेस के लिए इंडिया की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया, राजीव गांधी से बोला कि सोवियत के साथ बातचीत करो अफगानिस्तान में विड्रॉ, और बदले में जो कंसेशन अमेरिका ने इंडिया को देने को बोले थे उसको ग्राउंड लेवल पे यूएस ने इंप्लीमेंट करने की कोई खास कोशिश नहीं की। इसी कंटेक्स्ट में आज अगर यूएसए इंडिया को बहुत ताकतवर दिखा के ये बोल रहा है कि हाँ भाई रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया मीडिएट करके कुछ ग्राउंड लेवल पे कर सकता है, तो हमें यूएस के झांसे में नहीं आना चाहिए। यूएस का बस एक ऑब्जेक्टिव है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और चूंकि मोदी जी के साथ उनकी बॉन होमी अच्छी है और इंडिया के रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो इंडिया ऐसा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बदले में हम यूएस से कोई कंसेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूएस हैज ऑलवेज बीन हाईली ड्यूप्लिकेटिकल, मतलब यूएस की ड्यूप्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा, वो कुछ और बोलता है करता वो कुछ और है किस हद तक। अब यहाँ पे मतलब विवेक काटजू जी के हिसाब से यूएस जो ये इंडिया को पावरफुल पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली में पावरफुल दिखा के इंडिया की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, बस और कुछ नहीं। और चूंकि इंडिया यहाँ पे G20 का प्रेसिडेंट है, तो एज अ G20 प्रेसिडेंट इंडिया की कुछ प्रायोरिटीज होंगी कि हाँ भाई हमें क्या क्या करना है इस G20 प्रेसिडेंसी में। तो उस कंटेक्स्ट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को G20 के मुद्दे से किस हद तक इंडिया जोड़ेगा, ये इंडिया पे डिपेंड करता है। अब यूएस चाहता है कि इंडिया पूरी तरीके से G20 को रशिया यूक्रेन मुद्दे से जोड़ दें। विवेक काटजू साहब का बोलना है कि रशिया यूक्रेन मुद्दे में अब तक इंडिया ने बड़ा जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है ना। हमने भले ही रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने रशिया को सीधे सीधे ये बोल दिया है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। मोदी जी ने समरकंद समिट सितंबर 2022 में साफ साफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बोल दिया था कि दिस प्रेजेंट एज इज नॉट एन एज ऑफ वॉर, ये जो वॉर आप कर रहे हो वो गलत है। फिर जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, जहां पे अभी के लिए रशिया का कब्जा है, वो इंडेंजर ना हो, इस बात को भी कहीं ना कहीं इंडिया ने बोला। इंडिया ने साफ साफ बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स का किसी भी हाल में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इंडिया ने कोशिश की कि यूक्रेन के फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बढ़े। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अब तक इस रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सही तरीके से इंगेज किया है और मीडिएट करने में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मीडिएटेशन अपने आप में एक अलग गेम है। मीडिएशन में फिर आपको साइड्स लेनी पड़ेंगी, आप एक न्यूट्रल पोस्चर लेके साइड नहीं हो सकते। तो मीडिएशन में हो सकता है कि इंडिया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोर्स करें, व्लादिमीर पुतिन झुकने वाला तो है नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं हमारे रशिया से रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा खराब ना हो जाए। और यूएस ये सब अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, लॉन्ग टर्म में यूएस इंडिया को इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, रिटर्न में कि नहीं देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इंडिया को यहाँ पे अपने कदम बहुत सोच समझ के करने हैं, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। इंडिया की प्रेस्टीज बढ़ रही है, इस प्रेस्टीज के दम पे इंडिया पुतिन के कोर्स को बदल सकता है, इस प्रकार की पिक्चर यूएस पोर्ट्रे कर रहा है, बट यूएस इस पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहा है अपने फायदे के लिए, ठीक है भाई। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। क्यूरियस केस ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा के रिस्पेक्ट में काफी बातचीत हो चुकी है, अलग से फिर से इसको डिस्कस नहीं करूंगा। फिर भाई एवरीवन लव्स अ गुड फाइट। देखिए लड़के हर कोई अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, तमिलनाडु में द्रविद मुनेत्र कजागम वर्सेस आरएन रवि की बात हो, या फिर केरला में आरिफ मोहम्मद खान वर्सेस जो एलडीएफ का फ्रंट है उसकी बात हो, दोनों ही जगहों पे सब लोग लड़ लड़के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आरएन रवि साहब और आरिफ मोहम्मद का आप सब अपनी कैपेसिटी में लड़ रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव पूरा। आरएन रवि खास हैं आपके सरकार के, केंद्र की सरकार के। बात की जाए आरिफ मोहम्मद खान साहब की, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब एक समय पे जो कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे आपके राजीव गांधी, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आप। कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने आप को एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट की तरह दिखाते हैं, ठीक है ना। शाहबानो जजमेंट ने भी ओवरऑल क्लेरिक्स के अगेंस्ट बात की थी आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान साहब RSS और BJP के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, और शायद वो इस फाइट करके अपनी इसी इमेज को क्लीन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार ने एक ओपन फ्रंट खोल दिया आरएन रवि के अगेंस्ट। द्रौपदी मुर्मू जी को एक रेजोल्यूशन पेश किया कि भाई आरएन रवि को कुर्सी से हटाया जाए, हालांकि इन पर्सन पेश नहीं किया है, क्योंकि इन पर्सन पेश करके कुछ होगा नहीं। कहीं ना कहीं आरएन रवि को हटाने की ताकत केंद्र की सरकार के पास है। तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन पास करके तमिलनाडु की द्रविद मुनेत्र कजागम क्या दिखा रही है, अपनी पॉलिटिक्स को फुलफिल कर रही है कि हाँ भाई हमने इस गवर्नर के अगेंस्ट और रूलिंग कोलिशन एट द सेंटर के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल दिया। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं काम का है। और आरएन रवि साहब ने ये जो कल्चरल क्वेश्चंस उठाए हैं कि भाई
जो साउथ इंडिया में द्रविड़ियन रेस है और आर्यन रेस है, इन रेस के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो रेस के बीच में कोई फर्क नहीं है तो द्रविड़ियन पूरी आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन उठ जाता है, और कहीं ना कहीं जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स है डीएमके की, आईए डीएमके की, वो इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आर एन रवि साहब जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सेंटर में बीजेपी पार्टी के फेवर में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। तो कुल मिला के ये जो भी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई एक पॉलिटिकल पर्पस की वजह से चल रही है, और इस पर्पस से कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो इसीलिए इसको टाइटल दिया गया एवरीवन लव्स अ गुड फाइट। ठीक है भाई, ये सब चीजें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही है। फिर जो राजीव गांधी के जो कन्विक्ट्स थे उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है, जो छह सात लोग, जो छह रिमेनिंग कन्विक्ट्स को अभी के लिए छोड़ दिया गया, एक प्रकार का पूरा रिवीजन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दिया गया। जैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ मई 1991 में, एलटीटीई लीडरशिप ने इसको ऑर्डर किया था, सुसाइड बॉम्बर था यहाँ पे। उसके बाद बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया, मैं आपको प्रिसाइज नंबर बता देता हूँ, 26 लोगों को अगर आप देखो एक्यूज टू डेथ की सजा सुनाई गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट उससे खुश नहीं था। तो 1999 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 लोगों को छोड़ दिया, 7 लोगों को सजा सुनाई, 7 में से 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई और 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सजा सुना दी थी 1998 में, 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 को छोड़ दिया, 4 को मौत की सजा और 3 को आजीवन कारावास। अब ये जो 7 थे, इनमें से एमजी पेरियावलन जो था, इसको तो मई 2022 में आर्टिकल 142 की, एजी पेरियावलन को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत को इस्तेमाल करके छोड़ दिया, और बाकी जो 6 हैं उनको भी यहां पे छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वैसे तो देखा जाए तो 4 लोगों की जो मौत की सजा थी उसको डेथ सेंटेंस में कम्यूट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में, और इसके 4 साल बाद 2018 में तमिलनाडु की कैबिनेट जो जयललिता जी के अंदर थी उसने बोला कि हम इनको छोड़ रहे हैं। आज की डेट में द्रविड़ मुनेत्र कझगम ये क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई हम इससे बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे पॉलिटिकल लीगेसी की बात होती है, आइडियोलॉजी की बात होती है। जो इन 7 लोगों को छोड़ने का ऑर्डर 2018 में निकाला गया था वो जयललिता की कैबिनेट के द्वारा निकाला गया था, और वो बिलोंग करती थी AIADMK पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना, लेकिन तमिल मुद्दे को इससे एक आग मिली, और आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप में कौन है, डीएमके, और डीएमके यहाँ पे इन 7 लोगों के 6 लोगों के रिलीज से खुश हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तमिल आइडियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने वाली बात कही जा रही है, पास्ट की हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं आज की डेट में बदला जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो चुकी हैं, अब ओवरऑल प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी इन न्यूज़ का फायदा उठाती हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। प्लस इंडिया के प्रेजेंट सिस्टम की भी पॉजिटिविटी यहाँ पे पता चलती है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने जेल में पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अटेन की हैं, एक ने तो लिटरेरी परस्यूट्स को परस्यू किया है, 31 साल जेल में रह चुके थे, ये वो मिडिल लेवल के लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बॉम्ब बनाने में, ओवरऑल थिंग्स को प्रोक्योर करने में अपना रोल प्ले किया था, 31 साल से जेल में सजा काट रहे हैं, काफ़ी सजा ये काट चुके हैं, अब इनको छोड़ देना ही ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर ग्राउंड वाटर यूज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, ग्राउंड वाटर यूज़ से जो रिलेटेड फिगर्स थे वो मैंने पहले भी आपके लिए कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में कवर किए थे। तो ये फिगर्स क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप देखो तो 2020 की असेसमेंट स्टडी के हिसाब से एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज 436 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था इंडिया में, एक्सट्रैक्शन था 245, 2017 में एनुअल रिचार्ज था 432, एक्सट्रैक्शन था 249, 2022 का असेसमेंट अगर देखा जाए तो 2004 के रिस्पेक्ट में सेकेंड लोएस्ट है, 2004 में जो एक्सट्रैक्शन हुआ था वो हुआ था 231 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का, और 2022 में एक्सट्रैक्शन हुआ है 239 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का। बट कहीं पे भी इस आर्टिकल में ये मत समझिएगा, ये जो कंपाइलेशन किया गया है वो किया गया है बाय द नेम ऑफ नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो कहीं पे भी ये मत समझिएगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो कम इंटेंस हो गया, अभी भी बहुत इंटेंस है। अभी भी अगर आप देखो तो जो देश के 14% ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स हैं वो क्रिटिकली लो हैं, पिछले साल भी नंबर लगभग इतना ही था। क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल पहुंच चुके हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल हो रहा है यहाँ पे, राजस्थान गुजरात में ब्लॉक्स इंडेंजर्ड है क्योंकि वहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, सूखा है, ज़्यादा पानी है नहीं। अगर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करो तो कहीं ना कहीं पेनिनसुलर ब्लॉक में आते हैं, पठारी इलाकों में आते हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर के एक्वीफायर्स नेचुरली उतने प्रॉपर तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ज़रूरी ये है,
अलग अलग राज्यों ने ग्राउंड वाटर को लेकर थोड़े बहुत नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन कोई भी केंद्र का लॉ नहीं है, सेंटर का लॉ नहीं है जो कि ग्राउंड वाटर यूजेज को रेगुलेट कर सके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केंद्र की सरकार एक लॉ लेके आए जो ग्राउंड वाटर यूजेज को रेगुलेट करे। उसके साथ साथ एक ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी बनी है जिसने रिकमेंड किया है कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स को इंडिया के अंदर कम उगाया जाए, शुगर केन और राइस जैसी क्रॉप्स को इंडिया के अंदर कम उगाया जाए, क्योंकि इन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज तो कमा लेते हैं लेकिन उसके थ्रू हम अपना पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी क्रिटिकली लो है, और क्लाइमेट क्राइसिस में आने वाले समय में पानी की कमी होने वाली है तो पानी को बचाना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए।